हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृतिका, वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो टुडे ई टॉक अबाउट एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2023। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने सेल बायोलॉजी पे लेक्चर स्टार्ट किया है, तो आज हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे, यानी जो सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होगा। ठीक है, बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। फर्स्ट पॉइंट है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे फर्स्ट ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस गोल्जी यानी गोल्जी बॉडी, एंड प्लस द न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी एंड प्लस द न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्केटरी पाथवे। पाथवे की बात करें तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांजेक्शन वेसिकल्स, जीए यानी गोल्जी अपर्चर, डिस्चार्ज वेसिकल्स एंड एक्सटीरियर। इसमें क्या इंक्लूड होता है स्केटरी पाथवे में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांजेक्शन वेसिकल्स, जीए यानी गोल्जी अपर्चर, डिस्चार्ज वेसिकल्स होते हैं एंड एक्सटीरियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फिजिकली कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, फिजिकली क्या कंटिन्यूस और न्यूक्लियर जो होता है विद द इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल विच हैव ए प्रीडोमिनेंट ट्रांसपोर्ट फंक्शंस लाइक, जैसे कि आरबीसी डू नॉट हैव द ईआर, यानी डू नॉट हैव होता है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, डू नॉट हैव होता है इसमें लाइक जैसे कि आरबीसी, इसका प्रीडोमिनेंट ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है सेल में जो कि विच हैव होता है। ओके, प्रीडोमिनेंट ट्रांसपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स एक्टिव इन स्केटरी फंक्शन सच एज द एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट हैव वेरी वेल डेवलप्ड एंड हाईली ब्रांच्ड ईआर सिस्टम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टम यहाँ पे ब्रांच करता है। सेल यहाँ पे एक्टिव होता है किसमें, स्केटरी फंक्शंस में, और इसका जो एक्टिवेशंस होता है एक्टिवेट करता है ये किसमें, बी लिम्फोसाइट में, एंड द इसमें जो डेवलप होता है वो हाईली ब्रांच होता है ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में। ओके, सो ये कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे कि क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, सिस्टर्न। सेकेंड पॉइंट आपके ट्यूबल्स होते हैं, और थर्ड पॉइंट वेसिकल्स। ये तीनों पॉइंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी से मिनिमम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अदर किसी पॉइंट से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को मैं डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टर्न। सिस्टर्न्स की बात करें तो फ्रंटेड वेसिकल्स हैविंग ए लार्ज सर्फेस एरिया, ब्रांच है इंटरकनेक्टेड इंक्लोज ए ल्यूमेन विच इज द कंटिन्यूटी विद द ल्यूमेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है सिस्टर्न में, इसका फ्लंटेड वेसिकल्स यानी जो इसकी वेसिकल्स होती है समतल्स होती है, हैविंग ए लार्ज सर्फेस एरिया, इसकी जो सर्फेस एरिया होती है बहुत लार्ज होती है, एंड द इंटरकनेक्टेड इसमें द इंक्लोज ए ल्यूमेन ऑफ द कंटिन्यूटी विद द ल्यूमेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर ट्यूबल्स की बात कर तो इनलॉन्गेट एक्सटेंशन फॉर द मार्जिन ऑफ सिस्टर्न मोस्टली स्मूथ ब्रांचेड एंड द इंटरकनेक्टेड होता है। इसमें जो ट्यूबल्स होते हैं वो क्या होता है आपका, इलॉन्गेट एक्सटेंशन फॉर द मार्जिन ऑफ सिस्टर्न होता है। ये मोस्टली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्यूबल्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का स्ट्रक्चर होता है। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वेसिकल्स की बात करें तो सराउंडेड ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम नियर मार्जिन एंड मोस्टली स्मूथ होते हैं। ये वेसिकल्स भी क्या होते हैं, ये सराउंडेड ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में नियर मार्जिन होते हैं एंड मोस्टली काफ़ी स्मूथ होते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो इम्पॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट थे, जिससे कि मैंने देखा है कि एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया, अदर किसी पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो आई होप कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपके लिए था वो आपको पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो इस पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी। ओके, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।